الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لياقت آباد السلام عليكم आज भैया रोशनी से मोहब्बत से अकीदत से जुर्रत से अपनी कौम को और हम सब के साथ लियाकत आबाद अपने इस अहद को दोहरा रहा है कि पाकिस्तान बनाया था पाकिस्तान बचाएंगे और ये पाकिस्तान हमारी जिम्मेदारी नहीं हमारे बाप की अमानत है। ये लियाकत आबाद तारीख है पाकिस्तान की, ये लियाकत आबाद तामीर की तारीफ है, ये लियाकत आबाद पाकिस्तान के नजरियाती दारुल हुकूमत दारुल खिलाफा मरकज का मरकज़े ऐन है, ये लियाकत आबाद पाकिस्तान में जमहूरियत इनकलाब इंसाफ अवाम की हुकुमरानी की तहरीकों का आगाज है और ये लियाकत आबाद जिसको पाकिस्तान में गासिब जालिम काबिज मुल्क दुश्मन अवाम दुश्मन इसको अपने खिलाफ सबसे बड़ा और मजबूत किला समझते हैं। लियाकत आबाद आप कौम की हिम्मत और यकीन है। आज यहां पर आपकी आपके यहां होने वाले तरक्याती कामों की बात की जा रही है, बात लियाकत आबाद के तरक्याती कामों की नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरक्की की करनी चाहिए जो लियाकत आबाद के दम से है। सन 70 के बाद नजरिया पाकिस्तान शर्मिंदा था और हम शर्मिंदा हैं कि सन 70 में हम पाकिस्तान नहीं बचा सके, लेकिन हम सुर्खरू हैं खुदा के हुजूर कि हम नजरिया पाकिस्तान बचा के लाए हैं और नजरिया पाकिस्तान कहीं पर शर्मिंदा सर झुकाए उसको पनाह मिली है तो लियाकत आबाद किसी गली कूचों में वो रहता है। यहां पर लियाकत आबाद में जो काम हुए हैं ये काम लियाकत आबाद के हक के मुकाबले में उसकी कुर्बानी के मुकाबले में उसकी जद्दोजहद के मुकाबले में ये शहीदों का मरकज है, उम्मीदों का मरकज है, यकीन का मरकज है। और अगर आज लियाकत आबाद में तरक्याती कामों के हवाले से अगर कोई इत्मीनान की लहर है तो मैं ये समझता हूं कि जो फंड लियाकत आबाद के लिए हुकूमत ने मरकज मख्तस किए वो लियाकत आबाद की आवाम के लिए है, उसमें MQM या MLA का कोई हक नहीं है। आज अगर लियाकत आबाद के गुज़श्ता 5-10 साल के मुकाबले में आज बेहतरी आई है तो मुझे ये बात कहने की इजाजत दीजिए कि उस फर्क का नाम उस फर्द का नाम इस टाउन के इंचार्ज की बदौलत है कि जिसने
लियाकत आबाद की इस अमानत को लियाकत आबाद की आवाम की मर्जी से यहाँ की MQM टाउन की MQM के तआवुन से गली गली और कूचे कूचे तक पहुँचाया है। लियाकत आबाद की किस्मत बदले ना बदले, लियाकत आबाद ने पाकिस्तान की किस्मत बदली है। हर बार पाकिस्तान में जब जब जमहूरियत को खतरा हुआ है तो यही लियाकत आबाद है जिसके लहू से पाकिस्तान की जमहूरियत की भी आबियारी हुई है, पाकिस्तान की दिफा की भी मजबूती हुई है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान और यहाँ की हुकूमत लियाकत आबाद की मजबूर है, लियाकत आबाद हुकूमतों का मजबूर नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला मेरी खुश नसीबी है कि मुझे पाकिस्तान के दिलो दिमाग कराची के मरकज, कराची के दिल लियाकत आबाद और कराची की सोच नाजमाबाद मेरा हल्का इंतखाब है। और आपने पाकिस्तान के लिए और कयाम पाकिस्तान के लिए और तहरीक पाकिस्तान के लिए और तामीर पाकिस्तान के लिए जो कुछ किया उसको तस्लीम नहीं किया गया, तो आज पाकिस्तान को खुद अक्वाम आलम में खुद को तस्लीम करवाना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। आज MNA और MPA तो लियाकत आबाद में हक परस्त और कौम के बेटे हैं, लेकिन यहां पर जो बल्दियाती हुकूमत है, जो बल्दियात के नुमाइंदे हैं, वो लियाकत आबाद के नुमाइंदे नहीं है। और आज हमने पहले दिन ही कहा था हम ऐसी जमहूरियत को जो धोखा हो, ऐसी जमहूरियत को जिसमें आवाम की नुमाइंदगी मौजूद ना हो, ऐसी जमहूरियत जो जागीरदाराना हो, ऐसी जमहूरियत जो आवाम बेजार हो, ऐसी जमहूरियत जो आवाम दुश्मन हो, वो जमहूरियत को हम जमहूरियत समझते नहीं है। आज MQM की खैरात पे कराची के अंदर कराची से ताल्लुक ना रखने वाले, कम से कम कराची के दुख और दर्द से ताल्लुक ना रखने वाले मेयर और डिप्टी मेयर आए। अगर आज कराची के मेयर खुद को कराची का बेटा समझते हैं तो ये शहर पाकिस्तान को और सिंध को हर साल 3000 अरब से लेकर 4000 अरब तक कौमी और सूबाई खजाने में जमा कराता है। अगर आप कराची के बेटे हैं तो 15 साल का हिसाब आपसे मांगा जाएगा। आप कराची के बेटे हैं तो कराची को 15 साल के 35 से 40, 45, 50 हजार अरब का आपको सूद के साथ हिसाब देना है। लौटाइए कराची से जो लूटा है आपने, करप्शन की शक्ल में, क्राइम की शक्ल में, बदनवानी की शक्ल में, बदमाशी की शक्ल में, अगवा बराए तावान की शक्ल में, ब्लैक मार्केटिंग की शक्ल में, अंडरवर्ल्ड की शक्ल में। कराची का मसला ये है कि कराची में, कराची के अमन आमा का मसला ये है कि कराची में पुलिस और चोर दोनों इंपोर्टेड हैं। कराची में डाकू कानून नाफिज करने वाले और कानून तोड़ने वाले दोनों गैर है, उस शहर को लूटने आए हैं। तो वक्त आ गया है लियाकत आबाद तैयारी करें,
हिम्मत करें, परचम आपके हाथ में है, अब अलम भी आपके हाथ में आना है। ये मुल्क आपके बगैर चल नहीं सका, बच भी नहीं सकता, और इसे बचाना है, ये हमारे अजदाद की अमानत है। और इंशाअल्लाह ताला तामीर का जो सफर शुरू हुआ है वो इस कराची की तामीर के साथ साथ पूरे पाकिस्तान की तामीर की जिम्मेदारी आपके कंधों पे आ रही है। और इंशाअल्लाह ताला हम एक बार फिर कराची, एक बार फिर मुल्क की तकदीर बदलने के लिए मैदान अमल में उतरने वाला है। मैं इस मौके पर MQM लियाकताबाद टाउन को जबरदस्त खराज तहसीन पेश करूंगा, और खास तौर पे उनके इंचार्ज को कि जिसने दिनों रात मेहनत करके जितनी भी शक्ल तब्दील हुई है उसमें मेरा नहीं, लियाकताबाद टाउन और लियाकताबाद टाउन की सरबराई करने वाले का है। और इंशाअल्लाह ताला हमारा आप इस दुआ के साथ, इस यकीन के साथ कि पाकिस्तान हमारी कुर्बानियों को, हमारे अजदाद की कुर्बानियों को, और इस बात को कि हमारे मुकद्दस कदम, हमारे अजदाद के मुकद्दस कदम इस सरजमीन पे पड़े हैं तो ये आज़ाद हुई है। आज़ादी पाकिस्तान के लिए इस कौम, इस लियाकताबाद का तोहफा है। और अफसोस की बात यह कि हम एक कौम की हैसियत से, पाकिस्तानी की हैसियत से हम बड़े खुश नसीब थे कि हमें आज़ादी नसीब हुई। हम बड़े बदनसीब हैं कि हमने अपनी आज़ादी की कदर नहीं की। किसी की जाती है जिसके लिए कुर्बानी दी जाए, कुर्बानी क्योंकि हमने दी है तो हमें इस आज़ादी की कदर है। जिन्होंने आँख खोली है, जिन्होंने आज़ादी मांगी नहीं थी, जिनको आज़ादी दरकार नहीं थी, जो गुलामी की आदत अपनाए हुए थे, उनको भी हमने आज़ादी दी है। और पाकिस्तान के 75 साल ने यह भी सच साबित किया है कि जो लोग दुनिया के बेहतरीन गुलाम थे वो पाकिस्तान के आका बन गए, और जो बेहतरीन गुलाम होता है वो बदतरीन हुक्मरान साबित होता है। और अब वक्त है पाकिस्तान के मुहाफिजों, नजरिया पाकिस्तान के मुहाफिजों के साथ डायलॉग करो, और इसी डायलॉग के साथ पाकिस्तान को मुआहदा IMF से नहीं, कराची से और लियाकताबाद से करना चाहिए। लियाकताबाद लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाली ये बस्ती पाकिस्तान के दूसरे सबसे मुतवव्विल शहर लाहौर, पूरा लाहौर जितना सेल टैक्स देता है उससे ज्यादा लियाकताबाद देता है। लियाकताबाद की कदर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हुब्बुल वतन दुनिया में सबसे ज्यादा वो माना जाता है, VIP वो माना जाता है जो अपना टैक्स पूरे ईमान के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी हुब्बुल वतनी के साथ। मुझे शुक्र है खुदा का कि मैं पाकिस्तान के सबसे मुहिब वतन इलाके का नुमाइंदा हूं, और पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि मैं उनका नुमाइंदा हूं। और इंशाअल्लाह ताला आप लोग बड़ी देर से यहां बैठे हैं, अब खड़े हो जाइए कि वक्त आपका आने वाला है। मेरी बहनें जो यहां बड़ी तादाद में, जिन्होंने सबसे ज्यादा यहां पर आज फूल निचावर किए हैं और खुशबुएं लुटाई हैं, रोशनियों से शहर को, इस लियाकताबाद को आबाद किया है, कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कुछ देर इंतजार, फकत कुछ और देर इंतजार, अब तो सब रास्ते मंजिल की तरफ जाते हैं।
अब तो मुसाफत की थकन लम्हों की मेहमान है बस, अब तो मंजिल के निशान पांव से टकराते हैं। वो सवेरा जिसे ढूंढने निकले थे हम लोग, अपने ही हाथों में लिए अपने जिस्मों के चिराग और राय हक के मुसाफिर, जो सबसे आगे थे, जो जलाते रहे अपने सरों के चिराग और जिन्हें हवाओं के थपेड़ों ने रौंद डाला है, वो मेरी माँ और बहनों की अस्मतों के चिराग, इन चिरागों ने मिलकर वो रोशनी कर ली जिससे अंधेरे फरार पाते हैं। कुछ देर इंतजार मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, फकत कुछ और देर इंतजार, अब तो सब रास्ते मंजिल की तरफ जाते हैं। आलिफ भाई से गुजारिश के स्टेज पर ही तशरीफ रखें। रिजर्व कमेटी Thank you and Pakistan, Zindabad.